हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में हमेशा की तरह व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल की भाग दौड़ के ज़िंदगी में हर इंसान इतना व्यस्त रह रहा है कि अपने हेल्थ के प्रति कोई कुछ सोचता नहीं है। बस दिन भर काम काम काम, भागम भाग, बस यही तो हो रहा है। आजकल के लाइफ स्टाइल ही इंसान का ऐसा हो गया है कि दिन भर भागम दौड़ ही मचा रहता है और अपने सेहत का कोई ख्याल नहीं देता है, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स करने से काम तो नहीं चलेगा ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को, और फ्रेंड्स खान पान भी ऐसा आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया है कि इंसान जो है बीमार ही पड़ रहा है, और बस बीमार पड़ता है, पेट में भी दर्द होता है, मामूली दर्द भी होता है, तो इंसान बस भागता है डॉक्टर के पास एलोपैथिक दवाई लेने के लिए। तो सर फ्रेंड्स, ऐसा है कि दवाई तो आप खा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में आपको राहत तो मिल जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं, वो तो थोड़े देर में आपको राहत तो दे देती है, लेकिन फ्रेंड्स वो हमेशा के लिए छुटकारा आपको नहीं देती है। छुटकारा फ्रेंड्स हम लोग को ये हमारे गार्डन में जो छुपे हुए हैं, हमारे गार्डन में ही रहते हैं, हमारे घर में ही वो प्लांट रहते हैं, वो पौधे रहते हैं, आयुर्वेदिक औषधि तो हमारे गार्डन में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चीज़ को समझना पड़ता है, और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो हमारे घर गार्डन में, हमारे घर में जो प्लांट है, तो ये तो बिल्कुल आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएंगे, आपको फ़ायदा ही देंगे। अगर आपको फ़ायदा ये नहीं देते हैं तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम क्यों ना अपनाएं कि हम अंग्रेजी दवाई के पीछे भागें। ठीक है, अंग्रेजी दवाई तो थोड़ी देर के लिए आपको राहत दे देगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं देगी वो राहत। तो फ्रेंड्स आज मैं इसी बारे में, मैं एक ऐसा औषधीय प्लांट के बारे में आप लोग को आज जानकारी शेयर करूंगी, तो उसके बारे में आप उसकी जानकारी जान के फ्रेंड्स एकदम चौंक जाएंगे कि वाकई में ये प्लांट इतना फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी बोलेंगे ये प्लांट तो हमारे भी घर में है। हाँ, अगर नहीं हो आपके घर में ये प्लांट, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। अगर आपके पड़ोस में कहीं हो या किसी फ्रेंड के यहाँ ये प्लांट हो, तो उसकी कटिंग ले आके आप ज़रूर लगाइएगा, और उसकी कटिंग भी मैं लगाना आप लोग को अभी सिखाऊंगी, और बहुत इजली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं वीडियो अब शुरू करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है एक प्लांट, ठीक है, जिसे लोग बहुत लोग इसे अजवाइन के प्लांट के नाम से जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये अजवाइन का प्लांट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अजवाइन का प्लांट नहीं है। इसके खुशबू जो होते हैं एकदम अजवाइन की तरह, सेम अजवाइन की तरह खुशबू है, इस वजह से लोग इसे अजवाइन का पेड़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन ना ये अजवाइन का पेड़ नहीं, अजवाइन का पेड़ दूसरा होता है, उसका दूसरे पतला छोटा छोटा सा पत्ती होता है, और उसमें जो फूल निकलते हैं और उसी में से वो अजवाइन के सीड निकलते हैं, लेकिन इसमें कोई सीड वगैरह नहीं निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत अच्छा, ये फ़ायदेमंद प्लांट है, और इसकी जो खूबी है, इसकी खूबी को आप सुन लेंगे ना तो आप हैरानी से चौंक जाएंगे कि वाह इतना ये फ़ायदेमंद है, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स इसके फ़ायदे मैं अभी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्लांट है अजवाइन जिसे आप लोग कहते हैं, ये जो होता है स्टमक के जो बीमारी, जिसको पेट की बीमारी या गंभीर बीमारी या जिसको है, जैसे किसी को पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, तो ये सब में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जानते हैं फ्रेंड्स कि पेट से ही सारी बीमारियों का रास्ता खुलता है, अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं होगा। अगर पेट में कोई बीमारी हो गई तो एक बीमारी के बदले आपके शरीर में 50 बीमारियां होंगी, तो इसलिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है, इसका जो है, जैसे कि किसी को गैस वगैरह हुआ है या पेट में दर्द है, तो इसके चार पत्ते को ले के आप इसको चूसिए,
हाँ, और जो चबा के इसको पानी पी लीजिए, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं पी पाते हैं तो इसके पत्तों को लेके, 8 से 10 पत्ते को लेके आप इसका काढ़ा, इसको पानी में बॉईल कर लीजिए 10 मिनट, और उसके पानी को छान के आप पी लीजिए। तो उससे भी आपको आराम मिलेगा पेट की संबंधित बीमारियों से। तो फ्रेंड्स, पेट के सारी बीमारियों का ये इलाज है और बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को जुकाम वगैरह हुआ है उसमें भी ये ले सकते हैं, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसकी जो है, आप अगर इसको वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत लोग इससे जो है कि पेट की बीमारी से बचेंगे। और देखिए, इस जो कटिंग है, कटिंग इसकी बहुत आसानी से लगती है। अगर आपके घर में है इसका प्लांट तो आप इसको कटिंग से ग्रो करिए, और अपने फ्रेंड्स को या जो कोई भी है इस रोग से जो ग्रसित है, पेट के रोग से जो ग्रसित है, उसे आप दे सकते हैं। उसको आप प्लांट भी लगा के दे सकते हैं, या तो उसको बता के आप कटिंग भी दे सकते हैं कि भाई इसको आप लीजिए, इसका इस्तेमाल तरह से कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बहुत लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और फ्रेंड्स देखिए, इसकी कटिंग भी लगाना बहुत इजली है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे लंबे लंबे जैसे ब्रांच इसके हो गए हैं, जहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस इसके काटिए, ठीक है। देखिए, ऐसे काट लीजिए इसके ब्रांच काट के, और इसको ग्रो कीजिए। बहुत इजली ग्रो होता है। और इसके जैसे कि अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे जैसे पकोड़े वगैरह आप लोग जब बनाते हैं तो पकौड़े में भी इसको काट के डाल सकते हैं महीन महीन, या तो इसको डिप करके भी बना सकते हैं बेसन में डिप के। मैं तो बनाती हूँ, बहुत बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है और पेट के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं तो इसके पकौड़े अक्सर बनाती रहती हूँ। जब भी पकौड़े मैं बनाती हूँ कोई चीज़ का, तो इसे तो मैं ज़रूर तोड़ के ले जाती हूँ अपने गार्डन से, पकौड़े में डालती हूँ या तो बेसन में डिप करके इसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग को मैं लगाने जा रही हूँ, तो मैं कटिंग लगा के आप लोग को दिखा रही हूँ। रुकिए, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैं कटिंग को कैसे ग्रो कर रही हूँ। देखिए, इसके नीचे को पत्ते को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। और देखिए, अमली गुराई ऐसे कर लीजिए, और इसे एलोवेरा में आप डिप करिए। एलोवेरा में इस तरह से आप डिप करके इसे लगाइए। एलोवेरा में डिप करने से ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जो है नीचे फंगस वगैरह नहीं लगता है, और प्लांट जो इजली ग्रो हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने प्लांट को, कटिंग को मैंने ग्रो कर दिया है। और ग्रो करके देखिए, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, और इजीली ये 1 हफ्ता के अंदर ग्रो हो जाएगा। अब बहुत आसानी से इसके जड़ पकड़ लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से ग्रो करके आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो इस डिजीज से ग्रसित है उसे दे सकते हैं, अपने दोस्तों को दे सकते हैं, किसी को भी आप दे सकते हैं जो इस रोग से परेशान है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो किसी को हेल्प पहुंचाए। और जो मेरे चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो का, न्यू वीडियो का आपको तुरंत से वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियो को आप देखते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ फिर अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।